hey, स्वागत है आप सबका। मैं विवेक बिंद्रा, इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप कंसल्टेंट, बिजनेस कोच। अमेजिंग टॉपिक है, थोड़ी मेहनत में रेगुलर इनकम कैसे जनरेट करें। एक्टिव इनकम वर्सेस पैसिव इनकम, एक्टिवली काम ना करना पड़े लेकिन पैसिव इनकम जनरेट होती चली जाए। एक एंटरप्रेन्योर और एक प्रोफेशनल में अंतर यह है कि प्रोफेशनल जब तक काम करेगा तब तक उसको पैसा मिलेगा। एंटरप्रेन्योर कुछ ऐसा बिजनेस का मेथड डेवलप कर देता है, इनकम आती रहती आती रहती आती रहती है। एक लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, डॉक्टर जितनी देर अपने कस्टमर से मिलेगा उतना ही कमाएगा। डॉक्टर जितनी छुट्टी मारेगा उतने दिन पैसा नहीं कमा सकता। लेकिन बिजनेसमैन में अंतर यह है, वो ऐसा बिजनेस मेथड बनाता है कि वो तो दुबई में बीच पे बैठ के लेमोनेड पी रहा है और पीछे इनकम बढ़ रही है बढ़ रही है। उसको बोलते हैं पैसिव इनकम या रेकरिंग रेवेन्यू मॉडल जनरेट करना। उदाहरण लीजिए, यमुना नगर के पास अगर पानी की सुविधा नहीं है लेकिन यमुना नदी बह रही है, तो एक है घनश्याम और एक है श्याम। घनश्याम ने वहां से बाल्टी भर भर के रात भर में ड्रम्स इकट्ठे किए, लोगों को पानी सप्लाई किया, लोगों ने उसको पैसा दिया। अब घनश्याम जिस रात को बाल्टी से पानी भरता है अगले दिन सुबह लोगों को पानी दे देता है, लोगों की मेहनत नहीं लगती इसलिए वो उसको पैसा दे देते हैं और घनश्याम की कमाई होती है। लेकिन दूसरी तरफ श्याम, उसने क्या किया, उसने थोड़ी सी ऐसी मेहनत करी कि एक पाइपलाइन जनरेट कर ली यमुना नदी से उसके घर की तरफ। अब उसके बाद क्या, उसके बाद रोज सुबह नलका खोले, पानी भरे और लोग ले जाएं। एक बार उसने मेहनत करी लेकिन अब उसकी पैसिव इनकम, जिसको बोलते हैं रेकरिंग रेवेन्यू मॉडल। अगर घनश्याम बीमार हो गया उस दिन कमाई नहीं होगी, लेकिन अगर श्याम बीमार हो गया तो वो किसी और को रख सकता है कि भाई तू नलका खोल के पानी बांट के पैसा कलेक्ट कर ले। श्याम और घनश्याम में अंतर यह है, श्याम इसी मॉडल को यमुना नदी के किनारे हर कस्बे हर गांव में इंप्लीमेंट करके उसको मल्टीप्लाई कर सकता है, लेकिन घनश्याम कभी मल्टीप्लाई नहीं कर सकता। घनश्याम केवल एक्टिव इनकम जनरेट कर रहा है, जितनी मेहनत करेगा उतना कमाएगा। इसको बोलते हैं रेकरिंग रेवेन्यू मॉडल। हर व्यापार में हो सकता है आपको कुछ, देखिए आप में से कई लोग नया नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं जो मेरे व्यूअर्स हैं यूट्यूब पे, मैं आपके कमेंट ध्यान से पढ़ता हूं ना, आप लोगों ने नया बिजनेस शुरू किया है, काफी लोगों ने, कई लोगों का बिजनेस बड़ा हो गया है, दोनों के काम आएंगे। मैं आने वाले कुछ ऐसे स्टेप्स आइडियाज देने वाला हूं कि मेहनत लगेगी कम लेकिन रेकरिंग रेवेन्यू, कम ऑन, रेगुलर इनकम। इसका मेन फाउंडेशन है सर्विस प्रोवाइडर और कस्टमर के बीच का कंटिन्यूटी इन रिलेशनशिप, जो आपको सस्टेनेबल एडवांटेज देता है। कॉम्पिटेटिव एडवांटेज आप भले ही बिल्ड कर लें लेकिन अगर सस्टेनेबल एडवांटेज नहीं हुई, रिमेंबर एवरी कॉम्पिटेटिव एडवांटेज हैज अ लिमिटेड लाइफ स्पैन। एक बार और, हर कॉम्पिटेटिव एडवांटेज का एक लिमिटेड लाइफ स्पैन होता है। सो मेरा पहला पॉइंट है कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड अग्रीमेंट। अपने अपने कस्टमर को रिटेन करने के लिए जियो और एयरटेल भी इसी प्रकार की पॉलिसीज लेकर के आए। जियो आपको कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड अग्रीमेंट में वन टाइम कॉस्ट 1500 रुपए के अंदर मोबाइल दे देता है, जिसमें 153 रुपए हर महीने वो एवरेज रेवेन्यू पर यूजर की तरह आपसे एक्सपेक्ट करता है, तो वो आपको रिटेन करने के लिए एक फोन सस्ता दे दिया। ये अग्रीमेंट हो गया, अब इससे कस्टमर लंबे समय रिटेन हो जाएगा, रिकरिंग रेवेन्यू आता रहेगा। एयरटेल ने भी ऐसा किया, एयरटेल 2850 रुपए में दे रहा है और 169 रुपए आपसे हर महीने एक्सपेक्ट करता है, उससे कस्टमर रिटेन रहेगा, रिकरिंग रेवेन्यू मॉडल चलता रहेगा। सारी टेलीकॉम कंपनी एवरेज रेवेन्यू पर यूजर पे ही टिकी हुई है। अगला क्विक पॉइंट है, क्या आप किसी बिजनेस में साइलेंट बिजनेस पार्टनर बन सकते हैं, जैसे रतन टाटा, नारायण मूर्ति जैसे कई बड़े व्यापारी, ये लोग भी साइलेंट बिजनेस पार्टनर्स बनते जा रहे हैं। रतन टाटा अभी टाटा सन्स से एक्टिव इन्वॉल्वमेंट हटाने के बाद अपने पैसों को कई जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं। पेटीएम, ओला, शाओमी, अर्बन लैडर, ये जैसी कुछ कंपनियां हैं जहां रतन टाटा साइलेंट बिजनेस पार्टनर बने हुए अपना पैसा इन्वेस्ट करके। प्रॉफिटेबल, ट्रांसपेरेंट, स्केलेबल, कॉम्पिटेंट बिजनेस हो जिनको पैसे की जरूरत हो, आप अपना पैसा इन्वेस्ट करके वहां साइलेंट बिजनेस पार्टनर बन सकते हैं। क्या आप अपने बिजनेस में कुछ सब्सक्रिप्शन ऐड कर सकते हैं? इंडिया टुडे का आपने नाम सुना ही होगा, वन ऑफ द लार्जेस्ट सेलिंग न्यूज मैगजीन ऑफ आर कंट्री, 16 लाख का उनका रीडर बेस है, बहुत बड़ा सब्सक्रिप्शन उन्होंने जनरेट कर लिया है। इन सब्सक्राइबर्स की मदद से उनका रेकरिंग रेवेन्यू मॉडल आ गया है जिससे उनका रिटेंशन हो गया है। देखिए मॉडल समझिए, एक्विजिशन में कॉस्ट बहुत आती है, रिटेंशन में कॉस्ट घट जाती है। नया कस्टमर एक्वायर करने के लिए आपको प्रोस्पेक्टिंग, प्रेजेंटिंग, फॉलोअप, क्लोजर, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग बहुत मेहनत करना पड़ता है, आपकी 80% एनर्जी और मैन पावर लग जाती है। लेकिन एक बार कस्टमर आ जाता है, रिटेन करने के लिए आपकी 20% मैन पावर की भी आवश्यकता नहीं है। इसीलिए रिटेंशन में 20% मेहनत, एक्विजिशन में 80% मेहनत।
तो एक्विजिशन महंगा पड़ता है, रिटेंशन बहुत सस्ता पड़ता है। ऐसे ही इंडिया टुडे ने सब्सक्राइबर्स क्रिएट कर लिए जिससे उनका रिकरिंग रेवेन्यू मॉडल हो गया। क्या आप भी ढूंढ सकते हैं ऐसा कोई मॉडल? अगला मेरा पॉइंट आपने जरूर सुना होगा, फ्रेंचाइजी मॉडल। आप अपने बिजनेस का कोई एक ऐसा मेथड या मॉडल डेवलप कर रहे हैं जिसमें आप अपने साथ फ्रेंचाइजी पार्टनर जोड़ सकते हैं जो आपको रॉयल्टी दे सकते हैं, कमीशन दे सकते हैं, प्रॉफिट में हिस्सेदारी भी दे सकते हैं। काफी सारे फ्रेंचाइजीज इंडिया में फेमस हैं जैसे सबवेज, मैकडॉनल्ड्स, डोमिनोज, पिज्जा हट या बास्किन रॉबिन्स। पैसिव इनकम के लिए एक और उपाय है, आप पार्ट टाइम बिजनेस कर सकते हैं LIC एजेंट बनके या कोई एक अच्छा क्रेडिबल MLM को ज्वाइन करके। LIC एजेंट एक बार एक पॉलिसी सेल करता है, उसके बाद लगभग 20 साल तक जब तक आदमी प्रीमियम देता रहता है लगभग उसको तब तक 10-15% का कमीशन अपने आप मिलता रहता है। एक बार पॉलिसी सेल किया, रिकरिंग रेवेन्यू मॉडल जनरेट हो गया। MLM के अंदर भी एक बार आपने हाई परफॉर्मेंस टीम अपनी डाउनलाइन में बिल्ड कर ली, चाहे वो हाइब्रिड मॉडल हो, बाइनरी और जनरेशन का फिक्स कॉम्बिनेशन, मिक्स कॉम्बिनेशन, हाई परफॉर्मेंस टीम आपके लिए साथ साथ काम करती है, एक रिकरिंग रेवेन्यू मॉडल जनरेट हो जाता है। रीपर्चेज से भी होता है और एक्स्ट्रा भी कई प्रकार की इनकम हो जाती है। रिकरिंग रेवेन्यू मॉडल का एक और पॉपुलर तरीका, रेंट अ प्रॉपर्टी। आप एक अच्छी प्रॉपर्टी खरीदें, लेकिन ध्यान दीजिएगा, कई लोग रेजिडेंशियल फ्लैट खरीद के उसको किराए पे दे देते हैं, नुकसान में रहेंगे। रेंटल इनकम कमर्शियल प्रॉपर्टी में अमूमन ज्यादा आती है। ध्यान दीजिएगा, कैलकुलेशन आपका पॉजिटिव कैश फ्लो होना चाहिए, नेगेटिव नहीं। पॉजिटिव कैश फ्लो स्टेटमेंट का मतलब है एक महीने के अंदर कितना पैसा आपकी जेब से गया और कितना पैसा आपकी जेब में आया। अगर आपने प्रॉपर्टी खरीदी उसकी EMI, इंटरेस्ट या मेंटेनेंस की कॉस्ट में ज्यादा पैसा जा रहा है और रेंट में कम आ रहा है, नेगेटिव कैश फ्लो है। अगर EMI, इंटरेस्ट और मेंटेनेंस का पैसा कम जा रहा है और रेंट ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब पॉजिटिव कैश फ्लो। अगर कोई प्रॉपर्टी आपको 12% का ROI दे देती है, अमूमन वो पॉजिटिव कैश फ्लो की प्रॉपर्टी होगी। ये जीवन भर के लिए एक अच्छा रिकरिंग रेवेन्यू मॉडल बन जाता है। अगला मेरा पॉइंट है रिवॉर्ड पॉइंट्स। क्या आप अपने बिजनेस में अपने एग्जिस्टिंग रेगुलर फ्रीक्वेंट कस्टमर्स को कोई रिवॉर्ड पॉइंट दे सकते हैं जिसको वो रिडीम करने के लिए वापस आए, जैसा कि सिटी बैंक करता है? जितना कार्ड इस्तेमाल करो उतना रिवॉर्ड पॉइंट बढ़ेगा, जितना रिवॉर्ड पॉइंट बढ़ेगा उसका रिडीम करने आने के लिए इच्छा उसकी बढ़ती चली जाएगी। स्टार अलायंस मेंबरशिप इंडियन एयरलाइंस का भी है, विस्तारा भी अपने साथ ऐसा करता है। एक उदाहरण देते हैं कि 10 फ्लाइट लिया तो 10 फ्लाइट में इतना रिवॉर्ड पॉइंट मिल जाएगा कि 11वीं या तो बिजनेस क्लास ले लो, इकोनॉमी को अपग्रेड करा लो, या इकोनॉमी फ्री ले लो। रिवॉर्ड पॉइंट के चक्कर में लॉयल्टी बढ़ जाती है कस्टमर की। वो कस्टमर सोचता है यार इतने पॉइंट बढ़ रहे हैं वापस वहीं आ जाऊं। वो भी रिकरिंग रेवेन्यू मॉडल यानी कि पैसिव इनकम को कंट्रीब्यूट कर सकता है। अगला मेरा पॉइंट है मेंबरशिप बेस्ड बिजनेस मॉडल। क्या आप अपने बिजनेस के अंदर कुछ मेंबरशिप्स क्रिएट कर सकते हैं, जैसे जिम, स्पा, सलून, क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया? यहां पे मंथली फीस एक कस्टमर को ज्यादा पड़ती है, उसके लिए वो लोग एनुअल मेंबरशिप की एक एक्साइटिंग ऑफर दे देते हैं, जिसके कारण बहुत सारा कस्टमर बेस उनका एनुअल मेंबरशिप पे शिफ्ट हो जाता है, जहां से उनको सस्टेन्ड एक इनकम जनरेट हो जाती है। अच्छा, B2B मॉडल के अंदर कॉर्पोरेट्स को सर्विस देते वक्त एक और उपाय है, जैसे कि कमर्शियल क्लीनिंग कंपनी, फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विसेज एंड सिक्योरिटी सर्विसेज। यहां पे भी आपके कॉर्पोरेट अकाउंट्स मिल जाते हैं आपको, कहीं सरकारी, कहीं गैर सरकारी, और कहीं अच्छे प्राइवेट कॉर्पोरेट भी मिल जाते हैं, जहां एनुअल कॉन्ट्रैक्ट बन जाते हैं। आप सिक्योरिटी गार्ड एक बार साइन कर लें, आपके 1,500-1,500 सिक्योरिटी गार्ड लग जाते हैं। आप फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विस भी सोसाइटी, ग्रुप हाउसिंग, कॉर्पोरेट्स, मॉल्स, हॉस्पिटल्स इसमें दे सकते हैं, या कमर्शियल क्लीनिंग कंपनी जहां पे पूरी बड़ी बिल्डिंग को क्लीन करने का आप ठेका ले लेते हैं। ये सब भी रिकरिंग रेवेन्यू मॉडल के बिजनेस हैं। एक बार बड़ा कस्टमर एक्वायर किया, उसको रिटेन करने में अच्छी सर्विस देते रहे, बिजनेस बढ़ते जाता है। सिक्योरिटी के अंदर जैसे Group 4 सिक्योरिटी या ग्रीन सील्स सिक्योरिटी सर्विस, ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो रिकरिंग रेवेन्यू। आपको देखना है क्या आप भी कुछ ऐसा कर सकते हैं। अगला पॉइंट, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। कई प्रकार के सॉफ्टवेयर हैं, एडोबी, विंडोज लाइसेंस, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। एक बार आपने सॉफ्टवेयर बनाया, शुरू में एडोबी को बहुत मुश्किल आती थी, वो एक सॉफ्टवेयर बना के वन टाइम कॉस्ट पे बेचने की कोशिश करते थे, जिससे कॉस्ट बहुत ज्यादा होने के कारण कई बार कस्टमर सेकेंड ग्रेड पे शिफ्ट कर जाता था। सो एडोबी शिफ्टेड देयर क्रिएटिव सूट टू क्लाउड बेस्ड सर्विस, क्लाउड सब्सक्रिप्शन सर्विस से उनके एनुअल इनकम में बहुत बड़ा जंप हुआ, क्योंकि यहां पे छोटा मंथली अमाउंट था जिसमें कई छोटे 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 बिजनेस को भी वो एक्वायर कर गए। छोटे बिजनेस उनको इसलिए ज्वाइन कर गए क्योंकि मंथली छोटा अमाउंट देना उनके लिए आसान हो गया था, इससे उनका रिकरिंग रेवेन्यू मॉडल जनरेट हो गया और छोटा छोटा अमाउंट करके नया मार्केट बहुत बड़ा एक्वायर कर गए।
जैसे कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर एक बार आपने खरीद लिया हर साल उसको रिन्यू कराना ही पड़ेगा। कई बार आप में से कई लोग सोचते हैं ये मेरे बिजनेस में कैसे अप्लाई होगा, मेरे बिजनेस में कैसे। अरे हर एक के बिजनेस में अप्लाई हो सकता है। गोलगप्पे वाले ने गुजरात के अंदर इस मॉडल को अप्लाई कर दिया। रोज गोलगप्पा खाओ तो 100 रुपया, जितना मर्जी खाओ, हर पूरे महीने का सब्सक्रिप्शन ले जाओ 1000 रुपए में, रोज आओ जितना मर्जी गोलगप्पा खाओ। उसके बिजनेस के अंदर एक बहुत बड़ा जे कर्व, कम ऑन, क्या मिला उसको, जे कर्व, बहुत बड़ा ग्रोथ मिलता है। इसी मॉडल को कहते हैं रेकरिंग रेवेन्यू मॉडल। क्रिएटिवली आपको सोचना पड़ेगा। जब गोलगप्पे वाला रेकरिंग रेवेन्यू मॉडल जनरेट कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते? समझ में नहीं आ रहा कैसे करना है? आइए लीडरशिप फनल के प्रोग्राम में, दिल्ली भी हो रहा है, मुंबई भी हो रहा है, जब भी इस वीडियो को देखे तुरंत फोन करें हमारी टीम को, पूछिए कि कितनी सीट बाकी है। अगर सीट बाकी है तो आपको मौका मिलेगा। जनवरी के बाद से तो वैसे भी इसकी कॉस्ट बढ़ने जा रही है। कई लोग एक्सपेंशन में बहुत जल्दी कर देते हैं और अपने बिजनेस को एग्जिस्टिंग संभाल नहीं पाते। आगे दौड़ पीछे छोड़, आगे दौड़ पीछे छोड़। मैंने कई लोग देखे जो रिटेन नहीं कर पाए रेकरिंग रेवेन्यू मॉडल और पैसिव इनकम को। ऐसे वीडियोज मैं इसीलिए बना रहा हूं ताकि छोटे छोटे शहरों से, क्योंकि नए व्यापारी मेरे वीडियोज बहुत देख रहे हैं ना, जो नए नए स्टार्टअप हैं, कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, शुरू से ही देख रहे हैं कि कुछ बड़ा कर सकें जीवन के अंदर। ध्यान दीजिए, ये वीडियोस उन तक पहुंचाइए। मेरा आपसे आज प्रश्न है, आपको क्या लगता है हमारे देश के व्यापारी क्या गलती कर रहे हैं? One more time, come on. आपको क्या लगता है हमारे देश के व्यापारी क्या गलती कर रहे हैं? खुल के लिखिए, एक दूसरे के कमेंट को पढ़ के सीखेंगे, समझेंगे। मैं सबके कमेंट पढ़ने आऊंगा और आप भी एक दूसरे के कमेंट पढ़िए। क्या लगता है देश के व्यापारी क्या गलती कर रहे हैं और उन गलतियों के ऊपर मैं कुछ वीडियोस बनाऊंगा। लीडरशिप फनल में हमने नया प्रोडक्ट ऐड किया है, मंथली लाइव Q&A सेशन। हर महीने आपके मेरे साथ क्वेश्चन आंसर सेशन भी होंगे जो कि लाइव, आपको उसका बहुत फायदा होगा। वर्कशॉप के दौरान भी लोग मुझसे सैकड़ों प्रश्न करते हैं और पूरा एंगेजमेंट मॉडल हम बिल्ड करते हैं। जब आप आके मुझसे मिलते हैं, जो जो प्रश्न हो आपके आके मुझसे पूछिएगा लाइव। अगर उत्तर नहीं दे सका तो मुझे ट्रेनर रहने का अधिकार नहीं है। फोन करके पता करिए अगली तारीख कब की है। और आज मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, आपने हो सकता है सब्सक्राइब भी कर लिया हो, घंटी भी बजा दी हो, लेकिन अपने 3-4 दोस्तों को कम से कम मदद करें कि वो भी बेल आइकॉन को हिट करें और वहां तक ये नोटिफिकेशन जा सके। अगर वीडियो से मदद होती हो, हर बार मेरी रिक्वेस्ट किए बिना लाइक जरूर कर दिया करिए। ऐसे वीडियो देखने का आपको बहुत बहुत धन्यवाद।